नाजरीन खबर देंगे आपको सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर पीटीआई रहनुमा असद उमर को इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने का खदशा है। तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है इस हवाले से, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की आज ही समाअत की इजाजत भी दे दी है और इस्लामाबाद में मालकला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा के खिलाफ असद उमर जो है सिंध हाईकोर्ट से जमानत से रिजू कर लिया गया। असद उमर को गिरफ्तारी का खदशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने सिंध हाईकोर्ट से इसलिए रिजू किए थे, जैसे सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त आज ही समाज की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में मारगला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा के खिलाफ असद उमर जो है सिंध हाईकोर्ट से जमानत से रिजू कर लिया गया। असद उमर को गिरफ्तारी का खदशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने सिंध हाईकोर्ट से इसलिए रिजू किए थे, जैसे सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त आज ही समाज की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में मारगला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया।